So hello dear students, this video is for TY BAF students. TY BAF cost accounting semester 5 2023 के question paper के हम लोग objective discuss करेंगे. इसके previous videos में 2018, 19 and 2022 we have already discussed. तो ये objectives भी देखना वो video के बाद, ठीक है? चलो, so let's begin. Total 75 marks का paper, passing is 30 and objective आएगा for 15 marks. ये मैं हमेशा repeat करता हूँ, ठीक है? चलो देखो, इसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी बनाया था. आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा. क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है. चलो देखो, तो एमसीक्यू पूछा था एनी एट, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 बोला तो 10 का 10 लिख के आना. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वेरी इजी. पेट्रोल कंजम्पशन इज 24 किलोमीटर पर लीटर. एक लीटर जाने के लिए एक लीटर पेट्रोल में 24 किलोमीटर आप ट्रेवल कर सकते हो. और पेट्रोल का रेट कितना बोला है, 60 पर लीटर. अ टैक्सी रन्स 3960 किलोमीटर पर मंथ. तो टैक्सी का रनिंग कितना है, 3960 किलोमीटर रनिंग हुआ. तो आपको ढूंढना है कितने का पेट्रोल लगा. सो द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज, तो उसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले कि मेरा रनिंग कितना है, 3960 बराबर एक लीटर में कितना चलता है, 24 किलोमीटर. तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि इस हिसाब से 3960 जाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा. तो इसको डिवाइड करना है आपको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय एक लीटर में कितना जाता है. सो डिवाइड करने के बाद इसका 165 आता है आंसर. मैंने किया हुआ ये कैलकुलेशन, 165 लीटर लगेगा. इनटू क्या करोगे आप लोग, 60, बिकॉज एक लीटर का भाव है 60 रुपये. तो ये मल्टीप्लाई करोगे जब, तो इसका आंसर आएगा 9900. खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो. उसके बाद इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, गैरेज रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. बिकॉज कितना भी गाड़ी आए जाए, गैरेज का रेंट तो फिक्स रहेगा, चेंज होने वाला. 10 गाड़ी हुआ तो उतना रेंट भरना है, 2 हुआ तो उतना रेंट भरना है, गाड़ी नहीं भी रहेगा तो उतना ही रेंट भरना है, ठीक है? नेक्स्ट वन, नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू, सो नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस. नॉर्मल आउटपुट या फिर इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बोला जाता है. सो जो इनपुट होगा उसमें से जो नॉर्मल लॉस जाएगा, जिसको आप अवॉइड नहीं करते कर सकते, उसको माइनस करोगे. वेजेस कंट्रोल अकाउंट इज डेबिटेड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस. इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन इज क्रेडिटेड टू WIP कंट्रोल, ठीक है? ये अगर आपको इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का एंट्रीज आ रहा है तो आप आराम से लिख सकते हो. बट सिर्फ स्टूडेंट इस कुछ डेबिटेड क्रेडिटर में कंफ्यूज हो जाते. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट ड्राइवर फॉर इंस्पेक्शन एक्टिविटी. इंस्पेक्शन एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो इंस्पेक्शन प्लान्स के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट, एन एक्टिविटी विच जनरेट्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट ड्राइवर, बिकॉज कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है. नंबर 8, इन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सेल्स इज डेबिटेड टू डेटर्स और कैश, ठीक है? अगर क्रेडिट पे किया सेल किया तो डेटर्स आएगा, कैश बेसिस पे सेल किया तो कैश आएगा. इन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग परचेस ऑफ मटेरियल ऑन क्रेडिट डैश विल बी डेबिटेड. तो इसका आंसर आएगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल. परचेस करोगे तो स्टोर्स में जाएगा, सो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा डेबिट में. लास्ट वन अगेन न्यूमेरिकल है. और इनपुट कितना है, 40,000 यूनिट. नॉर्मल लॉस बोला 20%, किसका 20, इसका 20. तो 40,000 का 20% निकालोगे तो आता है 8,000. तो 40 में से 8 क्या करोगे, माइनस. इसका मतलब 40 में से 8 गया, कितना एक्सपेक्टेड था, 32,000. एक्सपेक्टेड था कितना मिलेगा, 32,000. इसको बोलते हैं नॉर्मल आउटपुट. नॉर्मल ओपी लिख रहा हूं, नॉर्मल आउटपुट. बट आपको एक्चुअल में कितना मिला, 34,000. तो एक्सपेक्ट किया था 32 मिलेगा, 32,000, लेकिन मिला 34. एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला. जब भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन. तो यहां पे पूछा है कितना गेन हुआ, तो कॉमन सेंस है 32 के जगह पे 34 मिला, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 2000. तो आंसर आएगा 2000 यूनिट्स, ठीक है? वेरी क्लियर, मैंने एक्सप्लेन किया न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से. तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एमसीक्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 कॉस्ट अकाउंटिंग.
ठीक है, इसके बाद मैच द फॉलोइंग्स पूछा था, वो भी हम लोग मैच करते हैं क्विकली। सो ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग्स, एकदम इजी मैच द फॉलोइंग्स था, थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है भाई? ठीक है, देखो नंबर ऑफ मशीन सेटअप, तो इसका आंसर आएगा जे पहले वाले का। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस कब होता है? जब आपका आउटपुट कम रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से कम जब आउटपुट मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का आंसर आएगा नॉर्मल आउटपुट लेस एक्चुअल आउटपुट, मतलब एक्चुअल नॉर्मल से कम रहेगा। ओके, उसका उल्टा है, तो इसका आंसर आएगा एच। एबनॉर्मल गेन का आंसर क्या आएगा? जब आपको आउटपुट ज्यादा मिलता है, एक्सपेक्ट किया था कम मिलेगा, अभी प्रीवियस जो मैंने न्यूमेरिकल आपको दिखाया, एक्सपेक्ट किया था 32 मिलेगा लेकिन मिला 34, जब एक्चुअल ज्यादा होता है नॉर्मल लॉस से, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो इसका आंसर आएगा जी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दिमाग लगाओगे पता चलेगा। ट्रांसपोर्ट देखो, ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू पर किलोमीटर, सो इसका आंसर आएगा एफ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करोगे बस में से, टैक्सी में से, लॉरी जो भी रहेगा तो किलोमीटर्स में आएगा। हॉस्पिटल में क्या होता है? पेशेंट, सो पर पेशेंट डे। आफ्टर दैट नंबर सेवन, इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल को प्रोडक्शन में डालोगे, सो प्रोडक्शन का मतलब होता है WIP, तो इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद ओवरहेड्स, ओवरहेड्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस, तो वेजेस दिख रहा है डेबिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट बी, एकदम फालतू था, थोड़ा दिमाग लगाना था आपको बस। इंटर फर्म कंपैरिजन, देखो इंटर फर्म कंपैरिजन किधर, एक ही बचा है ना, टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग्स, तो मैंने ये भी डिस्कस कर लिया आपके साथ 2023 का क्वेश्चन पेपर। अभी 18, 19, 22, 23 चारों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चारों वीडियोस देखो, बार बार देखो। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या गुरु दक्षिणा दूँ, तो गुरु दक्षिणा यही दो कि ये वीडियोस मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ ताकि सब लोग पास हो जाए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर नंदीप कॉमर्स क्लासेस फॉर सच मोर वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अवर वीडियोज़, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।